किसान भाइयों नमस्कार, आदाब। मैं आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं अपने ग्राम सुकुलपुर जिला अयोध्या में आया हुआ हूं और आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप देखेंगे ये धान मैंने लगा रखा है, ये जरा पीछे दिखाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे इसमें जो है ये काला नमक धान हमने लगवा रखा है और इसके आगे छोटे से टुकड़े में ये देखेंगे मैंने देसी बासमती धान वैरायटी को रखा है। उसके बाद भाइयों इसमें धान लगाने के पहले मैंने ढांचा लगाया था, तो ढांचे के बारे में आप देखना चाहेंगे कि ढांचा दो बार मैंने इसको ट्रैक्टर से इसको मिट्टी में मिलवाया, पलटवाया। अब पलटवाने के बाद भी देख रहे हैं बीच में ये ढांचा धान के बीच में उग आया है और मेड़ पर मैंने ढांचा नहीं कटवाया। मेड़ देखेंगे, आइए दिखाएं आपको, ये देखेंगे मेड़ पे मैंने इस ढांचे को छोड़ दिया था और आज ये ढांचा जो है इतना बड़ा हो गया है। अब ये ढांचा जो है ये जानवरों जो आजकल छोटा जानवर से किसान बहुत परेशान है, अगर आप भी इस तरह अगर आप ढांचा अपने खेत के अगर मेड़ पर लगवा देंगे तो लगवाने का ये फायदा होगा कि छोटा जानवर से भी आपको आपके फसलों की सुरक्षा होगी। और अभी ये पेड़ ढांचा के जो आप देख रहे हैं अभी और मोटे होंगे, उसके बाद इसकी लकड़ियाँ मोटी मोटी होती हैं, ये आपका छप्पर छाने और तमाम प्रयोग में, जलौनी के प्रयोग में और प्रयोग में आ जाती हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है इसकी जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें तो ये फसल के लिए अमृत का काम करती हैं। तो ये ढांचा क्योंकि आपको मैंने पहले वीडियो एक बनाया था ढांचा जुताई का, उसमें आपने देखा होगा कि ढांचा मैंने जुतवाया था ट्रैक्टर से, उसका वीडियो डाला था। और आज क्या ढांचे की क्या स्थिति है, मेरे पर इतने बड़े बड़े ढांचे हैं, मैं अपने इस साथी से कहूँगा कि जरा सा ये मेड़ और वो मेड़ आप लोगों को दिखाऊँ कि ये ढांचे की स्थिति है। भाइयों ये काला नमक धान है और ये बेरन डालने से लेकर आज तक कुल 3 माह से अधिक लगभग हो गया है, 2-4 दिन, तो आप ये देखेंगे 2 महीना भी और बाकी है इसका। वैसे ये 5 महीने का धान बताया है उन्होंने, जो दिया है बताया है इसका समय 5 महीना होता है। अभी जो है इसमें जो है 2 महीना बाकी है और अभी इतना लंबा नहीं हुआ है। लंबा होने में भी किसान भाइयों परेशानी है क्योंकि वो गिर जाता है, तो इसलिए अच्छा है। और मैंने इसमें सागरिका का प्रयोग एक बार किया था और जैविक तरीके से, और ढांचा जो जुतवाया था जैविक तरीके से करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका रिजल्ट आगे क्या रहता है वो आप देखेंगे। मैंने अपने धान का काला नमक चावल का वीडियो इसके पहले भी अपलोड किया है, आप लोग हमारे यूट्यूब पर जाके चैनल पर सर्च करके उसको देख सकते हैं। और ये आज की प्रगति है किसान भाइयों, और अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, हमको आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम, राम राम, आदाब।